सो हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए, पहले हिंदी में और उसके बाद इंग्लिश में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पत्रिका ने अपने शीर्ष पृष्ठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडियाज डिवाइडर इन चीफ बताकर प्रकाशित किया है? फोर्ब्स, नेशनल ज्योग्राफिक, टाइम्स मैगजीन या फिर कॉस्मोपॉलिटन? आपके ऑप्शन है, वीडियो पॉज करना है आपको और अपना आंसर कॉमेंट में लिखना है, फिर चेक करना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टाइम्स मैगजीन। ठीक है, टाइम्स मैगजीन ने अपने जो शीर्ष पृष्ठ होता है ना, जो कवर होता है, उसमें इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनको बताकर अपनी जो मैगजीन है उसको पब्लिश किया है। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार विश्व में केवल एक तिहाई नदियाँ ही अपनी नेचुरल प्रवाह से बह रही हैं? नेचर, जियो रूट, साइंस डेली या फिर वन वर्ल्ड? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, नेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध खिलौना कंपनी हेमलेस का अधिग्रहण किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, विप्रो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस कंपनी को, जिसका नाम है हेमलेस, उसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया एक तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता और INS शक्ति दक्षिणी चीन सागर में किस संयुक्त युद्ध अभ्यास में शामिल हुए? ग्रुप सेल, वॉर गेम्स, ब्लैक हॉक या फिर पुश अबव? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप सेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि ये नेवी से रिलेटेड ही है, तो इसको याद रखें, ग्रुप सेल। ठीक है, और कहाँ पर हुआ? साउथ चाइना सी में। अगला है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट तैयार की गई है? तो इसको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, आंसर कमेंट में लिखना है। अगर नहीं भी पता है तब भी थोड़ा सा अपना जो कॉमन सेंस है उसको यूज़ कीजिए और यहाँ पर इसका आंसर बताइए। ऑप्शन झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक है आपके ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने यहाँ पर आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, जाहिर सी बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा नक्सल होंगे वहीं पर पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट तैयार की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, छत्तीसगढ़। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2019 को किस राज्य के लगभग 3.5 लाख नियोजित टीचर्स के समान वेतन संबंधित फैसले को रद्द कर दिया है? तो इसका ऑप्शन है आपके बिहार, झारखंड, पंजाब या फिर कर्नाटक। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, बिहार में जो फैसला पहले दिया गया था कि 3.5 लाख नियोजित टीचर्स को समान वेतन मिलेगा, उस फैसले को अभी रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ATP रैंकिंग में महिलाओं की रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? पेत्रा क्विटो, हालेप, नौमी ओसाका या फिर अंकिता रैना? तो ये इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नौमी ओसाका। नौमी ओसाका यहाँ पर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये जापान से बिलोंग करती हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं और इनकी फर्स्ट रैंकिंग में है इस समय। तो आपको पता होना चाहिए ATP रैंकिंग में महिलाओं की रैंकिंग में इन्हें पहला स्थान दिया गया, नौमी ओसाका। ठीक है, और ये भी पूछा सकता है कि नौमी ओसाका का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो कैसे पूछा सकता है। अगला है, ATP रैंकिंग में पुरुषों की रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? अभी हमने देखा कि महिलाओं में नौमी ओसाका को मिला है, पुरुषों की रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या फिर रोहन बोपन्ना? आपके ऑप्शन है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ये भी टेनिस के टॉप खिलाड़ी हैं और इनको यहाँ पर फर्स्ट, शायद मैं यहाँ पर मैंने ऊपर आपको बैडमिंटन बोल दिया, वो बैडमिंटन है, इसको टेनिस बोलते हैं। ठीक है ना, टेनिस जो आपने देखा होगा, जो कि साइना मिर्ज़ा खेलती हैं, जो कि साइना नेहवाल नहीं, ठीक है, साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खेलती हैं और साइना मिर्ज़ा जो कि टेनिस खेलती हैं। तो टेनिस की यहाँ पर रैंकिंग रिलीज़ करता है ATP। ठीक है, उसमें महिलाओं में रैंकिंग मिली है सबसे नंबर वन नौमी ओसाका को और पुरुषों में मिली है नोवाक जोकोविच को। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 9th नंबर, श्रीराम, पृथ्वीराज जैसी फिल्मों में काम करने वाले बंगाली अभिनेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? अर्जुन वल्लभ, जिग्नेश देसाई, अरुण चट्टोपाध्याय, फिर मृणाल मुखर्जी? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मृणाल मुखर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा कृषि व तकनीक विश्वविद्यालय में 1981 से 1985 के बीच वाइस चांसलर रहे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? आरसी नटराजन, वैद्यनाथ मिश्रा, गोविल जैन या फिर संदीप सिंह? आपके ऑप्शंस हैं, सही आंसर इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि था ये लास्ट क्वेश्चन हिंदी सेक्शन का। अभी हम लोग देखते हैं इंग्लिश के कुछ करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच इंडियन पर्सनालिटी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड?
तो किसे अभी मेंबर यहाँ पर नियुक्त किया गया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का? उपेंद्र कुशवाहा, दलवीर भंडारी, जगजीत पावड़िया, फिर नागेंद्र सिंह। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जगजीत पावड़िया। अगला है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2019 एडिशन ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे अभी जो हाल ही में मनाया गया, तो उसका थीम क्या था? हैशटैग पीस, हैशटैग लव, हैशटैग ह्यूमैनिटी, फिर हैशटैग यूनिटी। आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैशटैग यूनिटी। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 8 मई को, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ इंटर गवर्नमेंटल फोरम आर्कटिक काउंसिल? तो इनमें से कौन सी मेंबर जो कंट्रीज हैं वो मेंबर्स हैं इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑफ आर्कटिक काउंसिल की? कनाडा, डेनमार्क एंड इंडिया, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया एंड चाइना, फिर फ्रांस, आइसलैंड एंड जर्मनी। आंसर ऑप्शन नंबर बी, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको इसमें इंडिया को एज अ री होस्ट यहाँ पर इलेक्ट किया गया है आर्कटिक काउंसिल का, जो कि अभी फ्रांस में हो रही है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि न्यूज़ में इस वजह से पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, द डेजर्ट स्टॉर्म 2019 हैज स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ राजस्थान? तो अभी जो डेजर्ट स्टॉर्म चालू हुआ है तो वो कौन से राजस्थान के कौन से शहर से चालू हुआ है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या फिर बाड़मेर? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है जल्दी से। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट नेचुरल आइस कैफे इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो भारत का पहला नेचुरल आइस कैफे यहाँ पर कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? जाहिर सी बात है, यहाँ पर भारी बर्फबारी होती होगी, वहीं पर ये नेचुरल आइस कैफे नेचुरली बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट मोमो 3 रीच द आउटर स्पेस? तो यहाँ पर कौन सी कंट्री का प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट जिसका नाम है मोमो 3 आउटर स्पेस में यहाँ पर पहुँचा है? साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान या फिर चाइना? आंसर इसका ऑप्शन नंबर, अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए वीडियो पॉज करके। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो जापान की जो एक प्राइवेट कंपनी है उसने यहाँ पर जिस रॉकेट जिसका नाम है मोमो 3 उसको लॉन्च किया आउटर स्पेस में। तो क्वेश्चन कई तरीक़ों से बन सकता है, किस कंट्री की प्राइवेट कंपनी ने यहाँ पर रॉकेट भेजा आउटर स्पेस में? तो जापान आंसर होगा। रॉकेट का नाम आपसे पूछ देगा कि अभी जो जापान की प्राइवेट कंपनी है उसने एक रॉकेट को आउटर स्पेस में भेजा है उसका नाम क्या है? तो मोमो 3 आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं, इस वजह से अलर्ट रहे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एन आर माधव मेनन द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन लीगल एजुकेशन हैज पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। तो ये थे केरला के रहने वाले। अभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि डॉक्टर एन आर माधव मेनन का संबंध इनमें से किससे है, ठीक है। तो लीगल इंडियन लीगल एजुकेशन से इनका संबंध है, तो और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? केरला से। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2019 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे? तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का जो इस बार था उसका थीम क्या था? एक्सेस टू सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स इन थैलेसीमिया, इकोनॉमिक रिसेशन, ऑब्जर्व जॉइंट फोर्सेज, सेफगार्ड हेल्थ, एनहेंसिंग पार्टनरशिप टूवर्ड्स पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ सिस्टम्स, या फिर यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी थैलेसीमिया हेल्थ केयर सर्विसेज। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी थैलेसीमिया हेल्थ केयर सर्विसेज। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये तो थीम हो गया। ये भी पूछा सकता है कि हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ऑन विच डे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड? तो 8 मई, जिस दिन रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व किया जाता है उसी दिन हम लोग वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी ऑब्जर्व करते हैं। तो थीम ही पता होना चाहिए और किस दिन होता है ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स एट विच इंस्टीट्यूट हैज़ फाउंड अ नोवेल फंक्शन फॉर स्ट्रेस बस्टर सेरोटोनिन टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन? तो ऑप्शन से एम्स दिल्ली, TIFR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंसेज बेंगलोर, या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, एम्स दिल्ली, ठीक है। सेरोटोनिन जो कि एक ब्रेन में केमिकल होता है उसको न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को यहाँ पर ट्रीट करने के लिए यहाँ पर फंक्शंस निकाले हैं एम्स दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है,
पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो जो पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, तो इसका आंसर नहीं पता है, पहले बात तो पता होना चाहिए, तो कॉमेंट में लिखें, और नहीं पता है तो गूगल करके इसको ज़रूर लिखें, ठीक है, कॉमेंट में, इससे आपको याद रहेगा लंबे समय तक। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें डाउट को अपने, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।